सो ही गाइज, वेलकम बैक माई चैनल वंस अगेन। तो गाइज, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड, और नर्सिंग एप्टीट्यूड में हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है वो सिंपल भाषा में हमने समझना है यहाँ पे। तो जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है, ठीक है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाती है, हो जाती है। सपोज़ मुझे कोई जो है इन्फेक्शंस है, ठीक है, और मेरे कांटेक्ट में कोई दूसरा व्यक्ति आता है, उसको भी इन्फेक्शन हो गया, तो ये आपका आता है कम्युनिकेबल डिसीज़ में, यानी आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाती है। इसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन कम्युनिकेबल, जो आसानी से संचारित नहीं होते एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। मेरे को कोई बीमारी है, ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट में कोई व्यक्ति आया तो उसको वो बीमारी नहीं हुई, तो इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल, यानी जो असंचारित, जिसको हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है, असंचारित जिसको हिंदी में कह सकते हैं, यानी नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, सॉरी, जो कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं उसमें जो पैथोजेंस आपके वायरल्स वायरस होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। तो अब देखिए, जो कम्युनिकेबल जो डिसीज होती है वो ट्रांसमिसिबल होती है, यानी एक दूसरे से आसानी से फैल जाती है। और इसमें क्या क्या जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस तरह से फैल सकती है, इसके कुछ जो है मीडियम देखे जाते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट विद ए पर्सन कैरिंग द पैथोजेंस, सपोज मुझे कोई इन्फेक्शन है तो मेरे कांटेक्ट में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई व्यक्ति आया तो उसको भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा है कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड फ्लूड सच एज ब्लड, म्यूकस एंड सलीबा, ठीक है। जैसे कि आपने अभी लेटेस्ट जो मैं एग्जाम्पल दूँ आपको कोविड का, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को कोविड है, कोविड पॉजिटिव है, ठीक है, एंड कोविड पॉजिटिव है, तो वो व्यक्ति कहीं पे जो है, अगर जो है उसके फ्लूड्स है वो थूकता है, या फिर जो है वहाँ पे कोई उसका ब्लड है, या फिर उसका जो सलीबा है, अगर म्यूकस सलीबा जो भी है, ठीक है, अगर कहीं पे थूकता है तो वहाँ से भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड फ्लूड, यानी फ्लूड जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फ्लूड, ब्लड एंड म्यूकस एंड सलीबिया से भी जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ फैलती है। तीसरा पॉइंट है इनहेलिंग कंटामिनेटेड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम अनदर पर्सनस कफ एंड स्नीज। देखिए, कोई व्यक्ति है, सपोज मैं फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कोरोना का, को किसी व्यक्ति को कोरोना है, अगर वो खांसता है या छींकता है, तो अगर हम उसके जो है खांसता छींकता उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो ड्रॉपलेट्स है कंटामिनेटेड हैं, जो पार्टिकल्स हैं जो उसके व्यक्ति के मुंह से नाक से जो निकले हैं, उसमें जो वायरस है जो, ठीक है, तो जो पैथोजेंस है जो वायरस है, तो हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो तब भी जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है। रिसीविंग ए बाइट फ्रॉम एनिमल्स और इंसेक्ट, ठीक है, कैरिंग द पैथोजन, कोई इंसेक्ट है, कोई एनिमल्स है, अगर उसको कोई बीमारी है वो हमें काटता है, ठीक है, तो तब भी हमें ये बीमारी जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हो सकती है। जैसे आप डॉग का देखा पाए, जो रेबीज जो है, रेबीज जो डिसीज़ होता है, ठीक है, कोई डॉग्स होता है, स्ट्रीट डॉग्स, ठीक है, तो वो क्या होता है कि स्ट्रीट डॉग, उसको कोई वैक्सीन नहीं लगी होती है रेबीज़ वैक्सीन, एंड वो जो है अगर उसके लार में जो है रेबीज़ का जो वायरस है तो किसी व्यक्ति को काटता है, तो वहाँ पे जो है, या मंकी काटता है, कैट्स काटती है, तो इस तरह से भी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है। नेक्स्ट है कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड वाटर। देखिए, कंटामिनेटेड कोई, ठीक है, पानी है आपका, फूड्स है, वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, हमने जो है फूड है वाटर लिया है कहीं से, उसको अच्छे से धोया नहीं है, तो उसमें भी जो है वायरस है, बैक्टीरिया है, बहुत सारे जो है फंगस हैं, ठीक है, तो इससे भी जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। टाइप्स और सिम्टम्स, जैसे इसमें मैंने बताया वायरस है, वायरस में राइनो वायरस होता है, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंजा है, HIV है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स है। बैक्टीरिया के द्वारा जो सैल्मोनेला, इसेरिया कोलाई, ठीक है, ट्यूबर कोलोसिस हो गया, ठीक है, फंगाई के द्वारा होता है, रिंग वॉर्म हो गया, ठीक है, एथलीट फुट हो गया, प्रोटिस्टा के द्वारा जैसे मलेरिया होता है, ठीक है। प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो ये जनरली हम जानते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, रेगुलर अपने वॉश जो है, अपने हैंड है वॉश करने चाहिए रेगुलर, ठीक है, कोई घर में अगर कहीं पे जो है डिसइंफेक्टेंट है कोई, ठीक है, जहाँ पे जो है इन्फेक्टेड एरिया है उसको जो है क्लीन करना होता है, फूड्स है उसको अच्छे से धोना है, ठीक है, एंड प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन, ठीक है, गुड हाइजीन व्हेन प्रिपेयरिंग एंड हैंडलिंग फूड, ठीक है, अवॉइड ईटिंग स्पॉइल्ड फूड, अवॉइडिंग टचिंग विल वाइल्ड एनिमल, रिसीव अवेलेबल जो वैक्सीन हैं वो हमें लेना है, एंटी मलेरियल मेडिकेशन व्हेन ट्रैवलिंग वेयर देयर इज ए मलेरिया रिस्क, ठीक है। तो अगर हम मलेरिया, जैसे कोई जगह है वहाँ पे भाई काफ़ी मलेरिया हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें एंटी मलेरियल मेडिसिन साथ में पहले ले लेनी चाहिए,
ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट देखिए, जनरली जो होते हैं कुछ चीज़ें होती है इसमें, जैसे कुछ नॉर्मल वायरस को, नॉर्मल बैक्टीरिया तो खुद ही ठीक हो जाते हैं 3 to 5 days में, अदरवाइज कुछ में हो सकती है लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है किस तरह का इन्फेक्शंस आपको हुआ है, ठीक है, किस तरह की डिसीज़ है। वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन जो है इसमें जो वैक्सीन होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है प्रिवेंटिंग के लिए इसको, वायरल इन्फेक्शन के लिए, जैसे हम लगाते हैं पोलियो का लगाते हैं, चिकन पॉक्स का लगाते हैं, ठीक है। अभी जैसे कोविड का वैक्सीन लग रहा है तो ये इसीलिए रहा, क्योंकि जो वैक्सीन होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है वायरल इन्फेक्शन के लिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी क्या है, एंटीबायोटिक जो है इसका सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। एंटीबायोटिक, एंटी माने अगेंस्ट, बायोटिक्स माने बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, ठीक है, और इन्फेक्शंस को कंट्रोल करती है। एंटीबायोटिक्स क्या करती है, जो किल करती है बैक्टीरिया को, और प्रिवेंटिंग उसके जो बैक्टीरिया का जो रेप्लिकेशंस होता है, जो लाइफ साइकिल्स होती है, ठीक है, उसको जो है किल कर देता है, रोक देता है। फंगल इन्फेक्शन, तो फंगल इन्फेक्शन में एंटी फंगल जो मेडिसिन चलती है, जैसे फ्लुकोनाजॉल, इट्राकोनाजॉल, ठीक है, तो जिसके अंत में भी, जिसके लास्ट में भी जॉल आता है, वो सारी एंटी फंगल। देखिए ये मेडिसिन का आपको कैसे पहचाना है, जैसे जिसके लास्ट में जॉल आता है वो सारी आपकी जो है फंगल मेडिसिन एंटी फंगल होती है, जिसके लास्ट में जो होता है बायोटिक्स आता है वो सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है, और जिसके लास्ट में विर विर आता है, ठीक है, जैसे साइक्लोविर, ठीक है, और ठीक है माइकोनाविर, साइक्लोविर, इस तरह से आता, तो ये आपकी होती है एंटीवायरल मेडिसिन, ठीक है। तो ये कम्युनिकेबल डिसीज़ का हमने देखा, इसके जस्ट अगेंस्ट होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आप जैसे मान सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की किसी को बीमारी है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर की बीमारी एक ही व्यक्ति को होगी, वो फैलती नहीं है, ठीक है, और ये बीमारी कभी फैलती नहीं। कैंसर हो गया, कैंसर भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आता है, एंड इसके अलावा आपकी डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी आपका जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आता है, ठीक है। तो गाइज ये काम करना है आपको, ये तो मैंने आपको जनरली बता दिया, तो जो जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, उन सब के जो है आपको याद रखने हैं। एक तो आप डिसीज़ रखेंगे, दूसरा आप वो डिसीज़ किससे फैलता है, और ठीक है उसका जो फैलने वाला जो पैथोजन से, जो वायरल से फैलता, तो कौन से बैक्टीरिया से, कौन से वायरस से वो फैलता, वो आपको याद रखना है, नाम रखना है, और जनरली थोड़ा बहुत उनके बारे में देखना है, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा बीमारियों के बारे में तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम थोड़ा बहुत सारे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ देखेंगे, और उनके थोड़ा जो वो देखेंगे किससे फैलते हैं, और थोड़ा बहुत हम ये देखेंगे कि मेडिसिन कौन सी चलती है, ठीक है, इसके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी से लाने की कोशिश करूँगा गाइस, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा इसका नॉन कम्युनिकेबल, उसके बाद हम देखेंगे हॉस्पिटल से रिलेटिव कुछ चीज़ें देखेंगे जो आपके लिए जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में। बाकी आप जो है इंग्लिश का अपना खुद प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, इंग्लिश नॉर्मल आएगी, बाकी जो है आपको सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पढ़ना ही पढ़ना है।